गर्ल्स, मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे होने वाला है, प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना। सो अभी हम पुणे से निकल गए हैं, मैं कैब में हूँ, मेरी फ्रेंड है मेरे साथ में और हम लोग जाएंगे अभी बस स्टॉप पे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन बुक की थी बट टाइम पे 2 दिन पहले हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर हमने ट्रैवल से जा रहे हैं। सो टोटल 9 अभी हम विमान नगर में हैं, सिग्नल पे रुके हुए हैं और यहाँ से बस 19 आवर्स मतलब 19 घंटे बस में बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, मतलब सो के ही जाएंगे, बट जो भी बस मिली हमें टाइम पे उससे अभी हम जा रहे हैं। एक दिन ऑलरेडी हम लेट है, संगीत पे हम लोग नहीं जा पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो अभी हम पता नहीं उस रूट की मतलब सभी ट्रेन अचानक से क्यों कैंसिल हो रही है, शायद से उस पर कुछ काम चल रहा होगा, सो दैट्स द रीज़न। तो अभी हम लोग शाम के 5 बजे यहाँ से निकले हैं, 5:30 बजे की हमारी बस है जो कि हमें सुबह 12 बजे भोपाल में पहुँचाएगी। सो अभी देखते हैं कि कैसी होगी हमारी जर्नी। और मैं आपको बता दूं मेरा पहला ही व्लॉग फेल हो गया है, सो आप देखना कि मैंने आधा अधूरा व्लॉग शूट किया है। तो अभी हम बस का वेट कर रहे थे मतलब ट्रैवल्स का, अभी हम सो के मतलब मेरी फ्रेंड तो सो गई थी बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे ही कुछ टाइम पास शूट कर रही थी, रात के 11 बजे थे। अभी ये मैंने बुक की थी जोगेश्वरी ट्रैवल्स क्योंकि तब वही अवेलेबल थी और अब मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब बस ठीक थी, न्यू बस थी फिर भी मुझे ठीक ही लगी, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इसके AC इतने अच्छे वर्क नहीं कर रहे थे और जो कि मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी। ये बस वालों ने कम से कम 3 से 4 बार बस रुकाई थी लाइक डिनर के लिए, वॉशरूम के लिए, चाय के लिए, सो दैट इज़ रियली गुड। उन्होंने चाय के साथ हमें कुछ स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड किया था। तो ये रात के 4 बजे हम पहुँचे थे और हम शूट कर रहे थे एंड 4 बजे मैंने अलाइनर के साथ भी चाय पी थी, मैं भूल गई थी मेरे पास मैंने अलाइनर्स लगाए हैं और जब चाय हाथ में ली तो मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ, फिर बाद में मैंने अलाइनर साफ़ कर दिए थे बट ये करना नहीं चाहिए। तो अभी सुबह के 9 या 10 बजे कल हम शाम में पाल तो ये गाड़ी का बहुत आवाज़ आ रहा था, वैसे मैंने 9 10 बजे ऑलमोस्ट हम अभी आधे घंटे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, बस इट ऑलमोस्ट सेम टू मार रहे थे रीजन। जिस ट्रैवल से मैं रिटर्न आई ना दैट वॉज रियली अमेजिंग, आई थिंक राज रतन ट्रैवल्स थी तो वो काफ़ी सुंदर लगी मुझे और मैं आपको ज़रूर मतलब अगर आप ऐसे कुछ ट्रैवल कर रहे हो ना तो वो ज़रूर मैं प्रेफर करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी आप वो ट्रैवल्स ट्राई कर सकते हो। अगेन एक बार हमारी बस रुक गई थी, मतलब बस ने तो इतनी बार, मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और वो रहा उसका दोस्त। अरे वहाँ पे अंग्रेजी और देसी भी है देख। क्या अंग्रेजी देसी? दारू। ये देसी क्या मिलती है? अरे ये तो मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे, अंग्रेजी और देसी, मस्त लग रहा है। खाने के साथ सबसे पहले मैं फ्रेश हो गई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, फिर मैंने वहाँ पे देखे रखे हुए कार्ड्स देखे क्योंकि कार्ड्स हमें मिले नहीं थे, तो हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज थी मेहंदी और मतलब अभी पैकिंग का मेरी फ्रेंड लगाई रही थी, मैंने भी लगाई अगर आपने आपकी हो गई देखा होगा तो। फिर शाम में हम रेडी निक हो गए थे क्योंकि पहले इसके भाई की शादी थी तो हम लोग बाराती थे, हम यहाँ से जाने वाले थे राजस्थान साइड में कोई गांव है वहाँ पे मतलब बॉर्डर पे आता है, एग्जैक्ट राजस्थान में नहीं आता है। सो हम लोग थोड़ा बहुत रेडी हुए, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए और ये मारवाड़ी ब्राह्मण है तो फिर उनकी शादी मतलब वो थोड़ा सा अलग से गेटअप करते हैं, चेहरे पर ना टायर्डनेस एकदम दिख के आता है मगर मेरी नींद नहीं हुई है ना तो मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं बहुत सिंपल से रेडी हुई थी, बस एक अनारकली पहन लिया था। सो चलो अभी बाराती है। डांस कर लिया था और खाना खा के फिर हम लोग 12 या 1 बजे भोपाल से निकले थे और हम सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठे थे, बट हम लोग इस बस पे बैठे थे तो हमारी हालत मेरी इसी बस में खराब थी। ये सब यूट्यूब पे जाने वाला चलेगा और निकल गया और
जाने के साथ मैं सो जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए। उठते के साथ मैं आती हूँ नीचे थोड़ा सा रेडी होके, और हम लोग सब खाना खाने बैठते हैं। और इट वॉज रियली डिलीशियस फूड, मतलब क्या बोलूँ, मैंने आज तक इतना प्यारा खाना नहीं खाया था। ये जो गट्टे की क्या पता नहीं क्या ही था, बट ये पूरा राजस्थानी नाश्ता था। ये लड्डू तो इतने टेस्टी थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। हम लोग बैठ जाते हैं हॉल में, क्योंकि ना इनके यहाँ पे पहले कुछ इंगेजमेंट फंक्शन होने वाला था, फिर शादी होने वाली थी। तो एक रस्म मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी होगी। इट वॉज़ रियली अमेजिंग। कुछ पिलाते हैं एक दूसरे को, ये गिफ्ट्स वगैरह इन्होंने पैक करके दिए थे, जैसे कि दूल्हा दुल्हन के साइड से ना कुछ शरबते मोहब्बत ऐसे कुछ उन्होंने नाम लिया, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये पिलाए जा रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में शायद से अल्कोहल पिलाते थे, बट अब तो अल्कोहल नहीं पिला सकते ना, तो फिर वो लोग ऐसे मतलब ये शरबत ग्लास में रख के फिर एक दूसरे को पिलाते हैं, सो ताकि ये जो रिश्ता बन रहा है ये सालों साल तक चले। क्योंकि जो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे वो इस रस्म के बारे में बता रहे थे। सो इट वॉज़ रियली नाइस रस्म। हम सब बैठे थे यहाँ पे, और उसके बाद में अगेन उन्होंने 3-4 लोगों को वो ड्रिंक पिलाई, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं हम लोगों को कुछ स्टेज पे कुछ वो करने के लिए बुलाया था, तो हम लोग वहीं पे बैठे थे काफ़ी टाइम तक। तो मैंने नोटिस किया कि जो मेल है उनको फीमेल फेटा बांध रही है, और वो इतनी अच्छी तरीके से उसको फेटा जो था ना वो बांधते थे। अगर आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, पहले ना सिर्फ जो मेल होते थे ना वही लोग इनको बनाते थे, या फिर बॉयज़ वो लोग करते थे, और बहुत कम लोगों को ये सारी चीज़ आती। बट लुक एट हर, कितनी अच्छे से वो कर रही है, और लड़कियां ना कोई भी काम में पीछे नहीं है। सो मुझे ये देख के काफ़ी सुंदर लगा, और यूजुअली ऐसे नहीं होता है। मैंने पहली बार देखा, तो मैं भी आपने देखा होगा, बट मैंने पहली बार देखा, तो मैं सोचा इसे शूट करती हूँ, काफ़ी सुंदर है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। फिर हम लोग बहुत डांस करते हैं, इतना करते हैं डांस कि हम लोग थक जाते हैं। उसके बाद में मैंने कुछ इंजॉय नहीं किया। मैं शादी में एक साइड पर बैठ गई थी, मैंने कुछ स्टार्टर्स खा लिए थे। ये पैर में जो लगा था ना उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी, और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो कुछ दूसरे या तीसरे दिन के बाद में जैसे हम भोपाल वापस गए, वहाँ से मैं निकल गई, मैंने इमीडिएटली ट्रैवल्स बुक की और मैं घर आ गई। तो बस रिटर्न जाती है, ट्रैवल्स मेरे होम टाउन से जाती है, सो मैं यहीं पर आ गई। पता नहीं मेरा मन किया, इसीलिए 2-3 दिन के बाद अभी मैं वापस पुणे जाऊंगी, एंड देन मैं वीडियो शूट करूंगी, कुछ नया कंटेंट लेके आऊंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करके रखे हैं। सो मैं चलो पहली बार ब्लॉग कर रही हूँ, सो मैंने सोचा चलो, मैं एक्चुअली बोल इसलिए नहीं पा रही हूँ, देखो आप यहाँ से ना पूरा सनलाइट आ रही ऐसी। सो मैं बोल रही थी कि प्रोडक्ट्स मैंने पहले ऑर्डर लगा दिए थे, कुछ प्रोडक्ट्स आ भी गए वहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, बट अब मैं जाऊँगी 1-2 दिन से यहाँ से, तो फिर मैं वीडियो शूट करूँगी एंड देन वीडियो आएगा। तो सोचा चलो इस संडे में कुछ व्लॉग बना देती हूँ। एक्चुअली व्लॉग में मध्य प्रदेश की जो शादी थी मेरे लिए बहुत अलग थी, थोड़ी राजस्थानी भी लोग थे वहाँ पे शादी में, एक साइड से राजस्थानी लोग थे एक साइड में मध्य प्रदेश के लोग थे, तो मैंने सोचा चलो वहाँ की शादी थोड़ा शूट करती हूँ, बट मेरे से हो नहीं पाया एक्चुअली व्लॉग बनाना। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था हर जगह पे कैमरा लेके बन खड़े होना है और हर चीज़ शूट करना, और मेरा पहला ही व्लॉग फेल हो गया। ऊपर टेरेस पे आई हूँ, सो जो भी कोई अवेलेबल होंगे मैं उनके मतलब दिखाऊंगी मेरे घर में कौन कौन है, सब लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली। और एक जो अभी वायरल वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि एक साथ में हम 3-4 रोटी बना सकते हैं, सो ना मैं वो भी ट्राई करके देखूंगी कि सच में एक साथ में हम 3-4 रोटी बना सकते हैं क्या। सो वो भी करते हैं आज की वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग। और मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, तो मैं नहाऊंगी भी आराम से, घर पर मेरा ऐसे ही होता है, मैं आराम से नहाती हूँ। और चलो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, फिर नीचे चलते हैं। सो ये हमारी खेती है, और ये सब गाय चारा खाती है ना वो सब है, और आई डोंट नो आप सब लोगों को पता है या नहीं है, बट मेरा घर पूरा खेती में आता है, और इससे लग के हाईवे है, सो यहाँ से जाता है। और ये देखो ये सब गाय के लिए चारा काट रहे हैं, अगर आप देख पाओ तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है वो, थोड़ा जूम करके सी ऐसा वो काटते हैं, और फिर मैं आपको गाय भी दिखाती हूँ। सो नाउ यू कैन जस्ट सी, ये होता है ओपन गोठा,
उसे बोलते हैं, और यहाँ पे सब गाय होती है, यहाँ पे वो चारा खाती है, और यहाँ पे ये घूमती है, ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये घूमती है और यहाँ पे ये चारा खाती है। तो कुछ टाइम के लिए इनको फ्री रखते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ चले जाते हैं। और अब पूरा ऐसे नींद से उठी थे, मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं अभी नीचे आ गई हूँ। और मैंने ना बहुत, हमारे भाई की बेटी है उसका ये हेड पैन लिया है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा विंटर्स में। सो चलो अभी हम अंदर चलते हैं घर में और ट्राई करते हैं वो वाला हैक, क्योंकि मेरी भाभी अभी रोटी बना रही है, सो वो चार रोटी एक साथ बेलने का हैक ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वर्क होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का वर्क नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि आटा अगर थोड़ा सा टाइट हो तो मे बी वो वर्क हो सकता है। सो चलो ट्राई करते हैं। ये अभी रोटी बना रही है, तो हम ट्राई करते हैं वो वाला हैक। चलो वीडियो जाइले से कहीं गारंटी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। ओके एक मिनट, एक छोटा इसको ना बस आई थिंक आटा ज्यादा लगाते हैं, तो हम वैसे ट्राई करेंगे, इसको थोड़ा आटा ज्यादा लगाते हैं तो मे बी ये वर्क करेगा। लेट्स सी, एक दो तीन और ये चार। चल चल, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा, मुझे भी लग रहा है करेगा। सो लेट्स सी, मैं इसको बहुत हल्के हाथ से बना रही हूँ, सो देखते हैं। आगे चिपक गया तो फिर मुझे लग रहा है ये चिपक गया है ये चिपक गया है नहीं मम्मी। चलो हम वापस ट्राई करते हैं, अभी आटा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो हमने चार वो ले लिया है, एक बार वापस ट्राई करते हैं, क्योंकि वो आटा थोड़ा गीला था ना, इसको थोड़ा हमने टाइट कर लिया है। फिर एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन, और ये है चार। ओके सो इसको मैं पहले बहुत सारे आटे में डालती हूँ, फिर इसके बाद में ये दूसरा बहुत सारा आटा, सिर्फ सूखा आटा लेना है ज्यादा, ठीक है? भाभी हमारी भाग गई। अभी मैंने बहुत ज्यादा सूखा आटा लिया, मुझे लगता है कि ना मैं जहां एमपी गई थी ना, वहां के लोग है ना फुलके खाते हैं, तो मे बी इससे फुलके बन सकते हैं, रोटी तो नहीं बनेगी, बिकॉज रोटी तो ऐसी बड़ी बनती है ना हमारे यहाँ पे, ऐसी वाली, सो ऐसी तो नहीं बनेगी वो। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई गर्ल्स, भगवान का नाम लो। देखो मैंने आटा ज्यादा लगाया है ना, तो अभी बन रही है, थोड़े टाइम के लिए बनती है, बट थोड़े टाइम बाद नहीं बनती है। और वो वीडियो जो वायरल हुआ है ना, उसमें उन्होंने इतनी छोटी छोटी रोटियां भी ली है, सो अभी देखते हैं ये निकल रही है। देखो पहली तो निकल गई, ये सेकंड भी निकल गई है, लुक एट दिस। बस इसमें बहुत ज्यादा सूखा आटा और टाइट जो हम लोग डो बनाते हैं ना, उसको गूंदने की जरूरत है। देखो ये वर्क हो रही है, तो इससे हम फुलके बना सकते हैं, बट ये हम खाएंगे नहीं अभी हमें बस ट्राई करना था। ओके इसकी मम्मा, और इसको आपने देखा है, इसे तो टाकणार आहे मी 100%, तसे नाटक करती त्या पद्धतीने, हो ना तंचू?